सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपके पास आता हूं, फिर अंबर जैदी में आपका भी रुख करूंगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्या आपको ऐसा लगता है जो रिसर्च सामने आई है कि हिंदी फिल्मों के लिए हिंदू देवी देवता इजी टारगेट है? सहिष्णुता की सभ्यता, और हम हमेशा से जो है अटैक नहीं करते हैं, हम हमेशा से सब लोगों को साथ लेने के साथ लेकर चलने की जो हमारी एक संस्कृति रही है, मेरे ख्याल से उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट टारगेट भी बन जाते हैं, और इसी वजह से कई सारे लोग इस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी को यह समझना भी ज़रूरी है कि एक तरफ हिंदू धर्म जो है, जो सहिष्णुता का ज़रूर एक तरह से पिलर है, लेकिन वही हम किसी तरह का इस तरह का अगर कोई आरोप लगता है, और ख़ासतौर से हमारी देवी देवताओं को अगर टारगेट बनाया जाता है, तो ज़रूर हम लोग भी उसका जो है विरोध करेंगे और सामने आएंगे। और ये एक बहुत गलत धारणा है जो लोगों में नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अब जो ये सुशांत का मामला है, इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा बयानबाजी का मामला बनता जा रहा है, और लोग तरह तरह के अपने बयान देने शुरू हो गए हैं। ये भी एक बहुत दुखद बात है कि जिस तरह से देखिए अभी कौन किसको गाली दे रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, ये इतना मायने नहीं रखता है। अब मायने ज़्यादा ये है कि जो ये पूरा केस है, इसमें क्या नए तथ्य उजागर होते हैं, और कौन कानून के साथ खड़ा है, ये देखना बहुत जरूरी है। आप कहाँ खड़े हैं ये देखिए कि नहीं नहीं कहाँ खड़े हैं ये दिखाने की कोशिश तो दरअसल कंगना रनौत ने की। कंगना रनौत ने ये दिखाने की कोशिश की और उसका नतीजा ये मिला कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बोला, उन्होंने खान गैंग पर बोला, उन्होंने बॉलीवुड के इस्लामीकरण के खिलाफ उन्होंने बोला, किस तरीके से उन्हें सजा मिल रही है इस बात का भी जिक्र उन्होंने कर दिया।